नमस्कार भाइयों, आज हम लोग दो दिन से फार्म पे आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद देखा कि एक बड़ा लंबा सा कुएं में गिरा हुआ है, जहाँ महाराष्ट्र में हम आए हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कुएं को बावड़ी बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख के उसको सोच में पड़ गए कि हमें करना क्या चाहिए। फिर मालूम नहीं था, गूगल पे सर्च किया स्नेक रेस्क्यूअर यहाँ पे कौन कौन है, तो फ़ोन करने पे हमें नंबर मिला चिंतन जी का। हमने उनको कांटेक्ट किया, रेस्क्यू कैसे इसको सांप को कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया, वो यहाँ पे आए। चलिए अब इनसे बात करते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करेंगे और इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग की है, क्या इन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं। ये ट्रेनिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान खुद से बिना ट्रेनिंग किए सांप को पकड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको नुकसान भी पहुंचा दे, काट सकता है। क्योंकि सांप को पकड़ने उसको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं, लेकिन सांप को ये पता नहीं है कि हम उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं। वो सोच सकता है कि उसकी जान को खतरा है। तो हम वाला महाड़ में अभी सिस्केप करके एक एनजीओ है, तो सोसाइटी ऑफ इको इंडेंजर स्पेशीज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन उसका फुल फॉर्म है। तो अभी रिसेंट इन्होंने कॉल किया है, तो हमारे इनके कुएं में सांप गिरा अभी देखा हमने, तो इंडियन रेड स्नेक करके वो स्नेक है, तो उसको मराठी में धामन करके बोलते हैं यहाँ पे लोकल आदमी। तो अभी कुएं में गिरा है, अभी देखेंगे जाएंगे, अभी बहुत डीप है, तो हमारा थोड़ा टेक्निकल इक्विपमेंट लाने के लिए हमने बंदे को भेजा है, तो वो आने के बाद प्रॉपर रेस्क्यू चालू हो जाएगा। अभी ये भाई लोग वापस मार गए थे और ये का केबिल वगैरह लेके आए, रस्सियाँ लेके आए, विच इज़ नॉर्मली टफ जॉब टू गेट डाउन, कि नीचे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। बावड़ी में कुछ सपोर्टिंग वो नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है, तो नाउ दे आर गेटिंग डाउन एंड देख रहे हैं सांप नीचे ही बैठा हुआ है। सो कैसे वो पकड़ते हैं, कैसे उसको रेस्क्यू करना है, दे हैव डन द ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग किया है, उनको अच्छे से मालूम है कि हाउ टू ट्रीट ए स्नेक। भाग गया और रन अवे, पानी में भाग गया डर के, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि रेस्क्यू करने के लिए आए। पानी में गया। अच्छा जी, नाउ बिकॉज सांप नीचे पानी में चला गया, तो इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है उसको देखने का, तो इनको खुद से पानी में उतरना पड़ा। मूवमेंट करेगा ना, उसको कहीं भी कुछ टच होगा तो भागेगा। वेटला जी, देखिए अभी उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि जहरीला नहीं है सांप, लेकिन उसको डर है तो काट तो सकता है, लेकिन दिस पीपल हैव डन ट्रेनिंग प्रॉपरली, तो उनके लिए विषय नहीं है। करीब 8 से 10 फीट लंबा सांप होगा, अभी सिर्फ ही अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो अभी काटेगा नहीं। नीचे कीचड़ है, तो निकलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है उनको। उसको जहाँ भी सपोर्ट मिलेगा वो उधर घुस जाएगा, पैंट के अंदर घुस गया स्नेक, लेकिन उसको मालूम नहीं है, जहाँ उसको स्पेस मिलेगा उधर ही घुस जाएगा। बहुत बड़ा सा, कम से कम 8 फीट का ही है। दादी कड़ा चालत शिक्यो बाजूला आधी काय कर कंप्लीट, आज नको पुढे हात लावा।
8 फीट का है कम से कम, कम से कम 8 फीट का। नहीं वो तो उचल वरती आणि टाक सोड थांब जरा तू धरलाय मी मग ही बात है वरती उचल वरती हो गया हो गया। हाँ जी ठीक है ये हाँ ये सेफ सेफ रेस्क्यू हो गया स्नेक का। अभी बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद फिर देखेंगे कहाँ इसको सुरक्षित जगह में छोड़ सकते हैं और फिर ही फिर सांप फ्री अपना अपनी लाइफ जीने के लिए। बस आ गया थोबा थोसो बाहर आ गए। ये सारी स्टोरी थी सांप को रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ने की। अभी प्रश्न आता है कि ये सारा जो हमने आपको के साथ शेयर करने का प्रयास किया ये आपको कैसा लगा? अगर आपको इसको पसंद आया, ये भाई लोग जो इतना दौड़ भाग कर रहे हैं दिन में दोपहर में अपने खर्चे से, तो इनको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये सब आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।